तो दोस्तों, आप सभी लोग लगभग इस जलप्रपात को पहचानते ही होंगे। यहाँ सबसे फेमस है छत्तीसगढ़ में, इसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे बहुत मात्रा में पर्यटन लोग आते हैं, अपने फैमिली वालों के साथ आते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने पर। आप लोग देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है नज़ारा। और हमारे दोस्त लोग भी बहुत सारे लोग आए हैं। अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो अपने दोस्त परिवार जिनके भी साथ आप लोग आना चाहते हैं, उन लोगों के साथ आप लोग आ सकते हैं। काफ़ी बेहतर और खूबसूरत लगता है देखने पर। बरसात में तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है देखने में लुक वाइज, और बहुत ज़्यादा पानी भी बहता है तो बहुत बढ़िया लगता है। और उस टाइम नाव भी चलता है यहाँ पे। अभी थोड़ा सा पानी कम हो गया, इस वजह से यहाँ पे नाव नहीं चल रहा है। आइएगा तो आप लोग ज़रूर से बरसात के टाइम में ही ज़रूर से आइएगा यहाँ पे, और ठंड के मौसम में भी आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर देखने पर। और अभी हम लोग सामने की ओर आ चुके हैं। यहाँ पे तार घिराव किया गया है क्योंकि कई सारे बच्चे लोग यहाँ पे अपना जान को गंवा चुके हैं। क्यों? क्योंकि सामने एकदम से चले जाते हैं तो कभी कभी कोई फिसल के गिर जाता है, तो कभी एकदम से पानी में एकदम पानी का बहाव बढ़ जाता है तो बह जाते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको अभी घेराव किया गया है। बहुत ही मतलब लगभग बहुत ही कम लोगों को जाने देते हैं, ऐसे लोगों को जाने देते हैं जो एकदम VIP हैं और बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं। ठीक है ना, ऐसे लोगों को जाने देते हैं। तो आप लोगों के पास भी अगर ज़्यादा पैसा है तो आप लोग एकदम से VIP टाइप का आप लोग जा सकते हैं वहाँ पे देखने के लिए। वैसे भी यहाँ सामने से देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो आप लोगों को वहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों, मैं आवाज़ क्या बोलना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे ज़रूर से आइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।